सो गाइस मेरा सब हो चुका है वैक्स वगैरह, मैं जा रही घर पर, बाय। ऐसे रोते? सो गाइस अभी फिलहाल मेरा आगे का ही लगा है, पीछे का ही बाकी है और आगे मेरे हालत। हमारा ये अंडे का पुलाव बन रहा है जो कि हम, ये एक इसके हाथ में और ये देखो एक इसमें खाने का है और इसमें पहली बार का नहीं है, पहली बार थोड़ी बार, हर बार हुआ है ऐसा, हर बार करे ऐसा। अरे छोड़, अरे यहाँ पर चाय पीने के लिए वो रुके हैं, मैं तो पीती नहीं, मैं इसलिए मैंने बिरयानी शेयर की। क्या अभी और क्या लाने वाले हो? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो अभी बजे कुछ 9 बजे, अब मैं जा रही सीधा पार्लर क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, जो भी है करना है आज ही करना है, फिर मेरे को शाम में रात में मेहंदी भी लगाना है, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ पार्लर ताकि पार्लर में जाके सब अपना काम निपटा के आओ, जो अभी हाथ का बाल उखड़वाना है सब, हाथ का बाल पर करवा कर कर आती हूँ, तभी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? अरे सॉरी, मुझे स्टेशन का नाम याद नहीं रहता तो भूल गई मैं, तो जहाँ जाऊँगी आप लोगों को तो ब्लॉग में पता ही चलेगा, तो ब्लॉग में बनी रहिए। तो मैं निकल गई घर से, सुबह का टाइम है, ट्रेन में इतनी रश होगी ना, क्या पता कैसे मैं ट्रेन पकड़ूंगी, और एक तो मुझे ना ट्रैवल अकेला जल्दी करती नहीं हूँ मैं, बट अभी सीधा मैं चीदम एक ही ट्रेन में ही जाना है, ट्रेन नहीं चेंज करना, तो मुस्कान मुझे कॉल करके गाइड करते रहेगी। और बाप रे सुबह की रश, पता नहीं मैं ट्रेन पकड़ पाऊँगी, कितनी छूट जाएगी मेरे से, क्या पता क्या होगा। देखिए तो जस्ट अब भी मैं पहुंची हूँ और अब सुबह जस्ट अब भी मैं यहाँ पर पहुंची हूँ और मेरी जो ऑटो थी ना उसमें इतना गंदा वाला ऑटो, गिरते गिरते बची हूँ ना मैं, मतलब ऑटो ऑलमोस्ट मेरी टर्न हो ही गई थी, उसके जैसे ना पर मेरा रंग रंग दिख रहा है पर ये फड़ गया, गुस्सा आ रहा है, ये मुँह वॉश हो जाएगा, तुम्हारे चक्कर में जल्दी जल्दी कर जाए, मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है पता है, जब मैं ऑन द वे हूँ तो आऊँगी कहीं और तो जाऊँगी तो ना बना। सो गाइस मेरा सब हो चुका है वैक्स वगैरह, मैं जा रही घर पर, बाय। मुस्कान से सीधा घर पे मुलाकात हुई। सो गाइस अभी सीधा मैं आई मेरी दोस्त के यहाँ पे क्योंकि उसका बर्थडे है, तो मैंने उसको मना की थी कि नहीं आ पाऊँगी मैं, बट फिर मुझे चलो जाते हुए इतनी खुश हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ लेकर आई तो दूंगी उसका, फिर देखे थे मैं थोड़ा घर पर आती क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही बर्डन है, और आते आते ट्रेन में इतनी गर्मी ना, बाप रे बाप, इतना गलती से मैं जेंट्स में छोड़ गई, तो मुझे जल्दी जाता पता भी नहीं रहता है, वहाँ पर 2-3 लेडीज़ खड़ी थी, मतलब लेडीज़ ही डब्बा हुआ देखे तो जेंट्स, अब ट्रेन में मुझे चढ़ना ही पड़ा कैसे भी करके, अभी आई हूँ फिर उन बाजार के, बाज़ार से महंगे महंगे भी सब लेने थे ले ली, अपनी अम्मी से आती है तो फिर उसे मिलती हूँ, फिर उसको दे के फिर जाती हूँ घर पे डायरेक्ट, अपने मम्मी को डायरेक्ट मेरे को उठो उठ के बैठो ना, देखो इधर इधर ऐसे रोते, क्या हुआ? सो गाइस मेरी हालत देख सकते हो, सुबह से सिर्फ यहाँ से बाहर इतना आ रही जा रही हूँ मैं, अब जा रही हूँ जाके मेहंदी लगाने के लिए, तो अभी जाती हूँ मैं मेहंदी लगाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कितना बासी चेहरा लग रहा है ना मेरा, और एक तो ये महाराजा तो प्यार से आके बैठा हुआ, ठीक है चलो जाती हूँ मेहंदी लगाने, फोन ही रखी मैंने, स्टार्ट हो चुकी है अभी पूरा होने के बाद दिखाती हूँ मैं। सो गाइस अभी फिलहाल मेरा आगे का ही लगा है, पीछे का ही बाकी है, और आगे मेरी हालत इतनी डाउन हो गई ना, ऐसे लग रहा है कितने टाइम से इतने घंटे से बैठी हूँ मैं, और अभी पीछे का ही बाकी है, पीछे का ही लगा है, और इसकी आईडी तो मैं तुमको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आप भी जाके लगवा सकते हो, मेरी इतना प्यारी प्यारी मेहंदी। सो गाइस मेरी मेहंदी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, सिर्फ टोपे बचे हैं, सिर्फ टोपे भरने के हैं, बाकी सब हो गया, और मेरे को इतनी नींद आ रही ना, बहुत टाइम के बाद मैंने मेहंदी लगाई हूँ, तो बहुत ही आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है, तो कमेंट में बताना कैसी लगी मेरे हाथ पे मेहंदी और मेहंदी की डिज़ाइन। और अभी मैं सीधा जा रही हूँ अभी टोपे बनने के बाद घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई मैं, मेरी पैकिंग अभी भी बाकी है, मैंने अभी तक मेरा
सही से कुछ रखी नहीं, ना इयररिंग्स ना कुछ भी, तभी घर पे आके देखी। सो गाइस मेरी सुबह हो चुकी है और देखे कार छोड़ा, और मेरी मेहंदी का कलर देख रहे हो, अभी नहीं आया, मैंने पूरा वॉश कर दी और रात में आके मैं एकदम सो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। और अभी हम लोग की पैकिंग अभी भी थोड़ी 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 बची है, तो अभी हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं कि खाना बना के भिजवाना है हम लोग को। और देखो 1:10 की ट्रेन है हम लोग की, सुबह से उठी हुई मैं देख रही थी मेरा इयररिंग्स वगैरह सब रखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने ना कुछ भी पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी, तो वो सब चेक कर ली, सब है सही से। शादी के टाइम पे ऐसा कुछ होना था। हमारे अंडे का पुलाव बन रहा है जो कि हम लेके जाएंगे ट्रेन में खाने के लिए, और मम्मी बना रही है अभी। और मुझे यहाँ की पूरी सफाई करना है, पैकिंग तो बैग तो निकल चुका है, अब ये सब हटाना पड़ेगा। अब मैं यूँ चुटकी बजाऊंगी फिर हो जाएगा, हो गया साफ। और वो जाके इधर बैठा है, हाय। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं ये पहनी हूँ, और खाना वाना भी सब बन गया है, अम्मी के साथ बैठी बैठी चार आप मेहंदी लगा रही है, कदर मैंने मेहंदी बस पीछे लगाई है। और अभी हम जा रहे हैं टिफिन पैक करने, जो अंडे का पुलाव बनाए, तो चलो जल्दी से ऑलमोस्ट 12 बजे ना गए, और मैं जल्दी जल्दी निकलने के लिए हमारे पुलाव डब्बे में जाएंगे लेंगे। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं निकलने की तैयारी, अभी तक रेडी नहीं हुआ, 12 बज कर जा रहे, टाइम दिख रहा है अच्छे, शेविंग वेविंग करके आए भाई, सोची तो चिकना के दिख रहा है, फेविकोल डाल दिया था पूरे चेहरे पे उसने चिकना दिख रहा है अपनी। तो हम लोग निकल चुके हैं, 12 बज भी गए हैं, और जा रहे हैं हम लोग कभी भी टाइम पे निकलते हैं ना, हेलो जल्दी हो गया ट्रेन छोड़ जाएगी जाना, जैसे कि हम लोग ना पूरे साल भर रहने के लिए जा रहे हैं। बैग दिखा रहे, बाप रे बाप, ये एक इसके हाथ में, और ये देखो एक इसमें खाने का है, और इसमें दोनों में बैग मेकअप पसंद है, यहाँ पे चप्पल ले रहे सिलवा ले रहे ताकि वहाँ पे टूट टूट ना जाए। वो चप्पल हमें वहीं पे रखवा दो, अच्छा है बेटा। और ताप गोद में बैठ जाएगा, ला ये मैं पकड़ लूँ। तो अभी हम उतरने जा रहे कल्याण स्टेशन पर। हेलो ठीक, मुझे पता ही मेरे भाई उसका मैंने कचरे का बेस हद है, तो ट्रेन में कपड़ा कौन सिखाता है, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं हमारे इंडिया में वैसे। यही ट्रेन है, आज ठीक है, इतना वेट करने के बाद ये सब बोरिया भी से उठा के हम लोग ब्रेकअप लग जाएंगे क्या, चलेगा कैसी सीट है, अच्छा है ये वाला शाड़े पकड़ो आप, एक साइड में पकड़ लो, लो गलत ट्रेन में चढ़ गए, जो ट्रेन में हम लोग ने मेहरबानी कौन से कौन से आज से ऐसा पहली बार ही है, हर बार का है, पहली बार का नहीं है, पहली बार थोड़ी हुआ, हर बार हुआ है ऐसा, हर बार करे ऐसी होती है, एंजॉय आने इतने जद्दोजहद के बाद हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को 1 घंटा और जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से अभी मालेगांव जाना है, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ पे भी क्यों खड़े यहाँ पे,
मेरा जो ये भाई ने किसको कॉल कर रहे हैं? पकड़े गई तुम्हारी चोरी छियापा उसके नाम उसे नाक का चो लगा के तुम्हारे मुंह पे लगाया। काम कराते देखो क्या वजन बैग किसी जान से जान को पकड़ाने लगा और यहाँ पे ठंडी भी है। बाप रे क्या होगा हम लोग का और क्या अच्छा ही है। तो चलो कोहली गाइज हमारा कोहली है लाल नो नीड दिस तभी सब सामान यहाँ पे रखे हैं। हेलो अरे छोड़ अरे तुम कौन हम नहीं जानता ना गाइज भिखारी लगा रहे सॉरी सी मेरी बहन 7 बजे क्या चमक रहा है आई चुनी फोन में मैं वो भूले गए यहाँ पर चाय पीने के लिए वो रुके हैं। मैं तो पीती नहीं मैं इसलिए मैं लस्सी पी रही हूँ और ये लोग चाय पी रहे हैं। बहुत अच्छी है मलाई वाली चाय हकीकत में मलाई वाली चाय हाँ चाय की क्वालिटी अच्छी है। आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा अजमेर वाली फीलिंग दे रही है ना शेरालम पूरा अजमेर वाली हम लोग को फीलिंग फरवरी में जा रहे अजमेर तरह सब घर वर है यहाँ पे तो देखो पूरा एरिया भी वैसी है। चलो ये होटल में ये रूम में यहाँ पे रुकने वाले हैं फिर यहाँ से थोड़ा फ्रेश होके रेडी होके तुम क्या बोले यहाँ पे बहुत ही अलग है थोड़ा यहाँ के होटल बहुत अलग है ना। हमें यहाँ पे होटल में रुके हैं मम्मी और अभी हम लोग चेंज वेंज करेंगे चेंज वेंज करने के बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ मैं यहाँ पे थक चुका है बाहर का नज़ारा ही मतलब थोड़ा गाँव वाली फीलिंग दे रहा है ही गाँव में आए हैं तो गाँव वाली फीलिंग मस्जिद देखो मस्जिद किधर मेरे ही गम में कल भी है आज क्या छिप गया भाई जो भी छिप गया ए छिप गया बस ए बच बच्चा बस मैं तो अरे काय को फ्रेश हो गई और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे कुछ खाने क्योंकि भूख लगी है। फोन चालू भी है क्या बंद है तुम्हारा चार्जिंग भी नहीं मेरा मोबाइल चार्ज नहीं चला गाँव साइड है ना तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब होटल नहीं है और यहाँ पे घर है ना बहुत तो एकदम पूरा गांव साइड है तो हम लोग का घर में रहने का मतलब बहुत अनकंफर्टेबल शायद नीचे मतलब यहाँ पर आ गए भाई आप ने तो मुंह भी नहीं धुली बस मुंह भी मैंने इसी उतार आ गया यही पे दे दी अपना टपना कुछ नहीं खाना सामने सब पे हाथ मारेंगे उसे कांड उठा लिया पूरा खाई नहीं है रख दे चिकन फ्राई मोबाइल
पहली मर्तबा कर ना देखी मैम मैं तो पकड़ ही नहीं थी सही से फर्स्ट टाइम का एकदम नहीं आ रहा था ना तो तो सुनता है कि वो मंडी में भी नहीं कर रहे थे एकदम चाट की चाबी में कर रहे ना पे क्या वो अपनी रहता ना वो मेरे से छोटी वो वाली दिख रही है वो रहता है लेकिन दिखते छोटे इसकी लड़की है ये वाली दो भाई है मुझे उनकी भी पीएम नहीं वो लड़का है ये लड़का दो लड़के उसके तीन बेटी है हाँ हाँ तो चौथा लड़का हो जाएगा चौथा लड़का जो भी दे हाँ ऐसे जरूरी नहीं आज के डेट में ना लड़की लड़कियाँ जो है लड़कों से आगे तभी से तू मेरे को भी लगा ले थोड़ी सी तभी जा रहे हैं हम घर पर रात की हल्दी के लिए पूरा अभी 12 भी नहीं बजा पर इतना सन्नाटा सन्नाटा दिख रहा है अभी जा रहे हैं रिटर्न घर पे सॉरी हमारे होटल में घर पे नहीं हल्दी में हम क्या पहनेंगे हमारे तो सब रंग बिरंगे कपड़े हैं तो वही पहन लेंगे और वो ऐसे बोलते यहाँ के लोग ऐसे है कि पूरी हल्दी से नहला डालते देखते अभी क्या है जब भी हम लोग आए और खाना खा के वहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे चले गए थे तभी मैं इस ब्लॉग को यही पर एंड करती हूँ बाकी का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा तो जब तक इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय फॉर मनीला।